जीएसए के साथ में ना ये वाला ऑलरेडी टॉप अप यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज द 66 बीएचपी पैनियर्स। और जो प्राइस यहाँ पे इसका बाइक का लॉन्च हुआ है 4,10,000 का। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 5:37 और पुलक और मैं निकल चुके हैं। पुलक देखो एकदम सेक्सी लड़का भाई अपना पूरा रेडी हो चुका है, शाहरुख खान वाले पोज मार रहा है। ऑलराइट गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग हैं जाने वाले AIBW फेस्टिवल Day 1 में। तो मैं और पुलक यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। पुलक एकदम सेक्सी वाले सनग्लासेस पहन लिया। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, दिस इज जिंजर ट्री और अच्छा मतलब पीसफुल है एनवायरमेंट अंदर। और यहाँ पे इधर साइड में पूल भी है, प्लान दो पूल हैं बट अभी तक एक में भी जाने का टाइम नहीं मिला है, तो क्या करेंगे। तो अभी हम लोगों का यहाँ जो बाइक है, बाइक को एक इधर पे पार्कड है तो अच्छा है, हेलमेट ले लिया है। टॉप बॉक्स का देखो फायदा ये है कि हेलमेट अंदर चला जाएगा, बैग अपना कैरी करके रखेंगे। यहाँ पे दो बाइकें और दिख रही हैं, 1000 SX और एक ड्यूक। पहुंच चुके हैं अपन लोग IBW Day 1 में और पार्किंग का यहाँ पे है, उधर पे देखो पूरा फेस्टिवल चल रहा है। पुल्लक आजा भाई, कहाँ पे लगाना है एडवेंचर बाइक के मजे, हेलमेट बैग उसमें आ जाता है। चले जैसे है यहाँ पे रख सकता है। अरे सही है यार, ये लास्ट टाइम एक्चुअली नहीं किया था इन्होंने, ये हेलमेट रखने का बना दिया। देखो बाइक से भाई ये यही चीज़ का मजा है यहाँ पे फेस्टिवल में। और इधर के अपोजिट साइड में मोटोसोल भी हो रहा है। मोटोसोल में मैं AOG राइड में गया था पहले, मोटोसोल में कभी नहीं गया बट वो पूरा खाली पड़ा हुआ, आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद इवेंट कल है बट तब भी IBW ज़्यादा क्राउडेड रहता है। फोन लिया हुआ है मैंने बहुत सारा भाई, बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स लगे इस बार, काफ़ी नई नई ब्रांड आई है। ये कैंडिडा का भी आया है क्या कुछ शॉप, पावर शॉप है, इसने कब खोल दिया। अरे डेली ब्रांड लॉन्च हो रही है भाई, क्या कर रहे हैं बोल रहे कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर गए हैं। पिकाचू वाला बना के ले गया है यहाँ पे, कार्ल्सबर्ग वगैरह है इधर पे, पूरा दूसरा वाला साइड का इवेंट चल रहा है। स्टेजेस इस बार काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे स्टेज हो गया, एक वो मेन वाला स्टेज हो गया अपना इधर पे, तो काफ़ी मस्त एकदम मज़ा आएगा। म्यूजिक फेस्टिवल 8:30 से है, मेन अपना रीज़न वही है। तो ये वाला पूरा अंदर में AC कैबिन में बना हुआ है, काफ़ी सारी स्टोर्स हैं यहाँ पे, मतलब सारी हाई एंड वाली, मैड डॉग हो गया, OGO हो गया, देन उसके बाद में उधर साइड में बिग बैड बाइक्स भी है, सारे जो जितनी भी सुपर बाइक एक्सेसरीज रहती है वो सारी है यहाँ पे। और अच्छा है, कुछ कुछ नई ब्रांड्स भी हैं इस बार में। तो यहाँ देखो ये मैड डॉग का यार, इसका देख सकते हैं ना बाइक का, वो मैंने जो अपना देखा था ना, ये तो ऑलरेडी ले लिया मैंने, नहीं नहीं मेरा लाइट का था ना बाइक का, मौत का तांडव होने जा रहा है। पुल्ला क्या करके दिखाएगा बता, जल्दी बता। इधर से बाइक कुदाने का था वैसे, बट अच्छा है। अभी मेरे को लगा पतला सा रिंग रहेगा, ये तो बहुत बड़ा रिंग है, इधर से कोई भी कुदा देगा। तो यहाँ पे हार्ले की कुछ कस्टम बाइक्स हैं यहाँ पे, एक तो ये है बढ़िया लग रही है, सबसे बढ़िया लगी मेरे को ये वाली, पूरा स्क्रैम वर्जन बना रखा है यहाँ पे, टायर से गो भाई साहब सुपर। अभी यहाँ पे बाइक वाइक का सब रिव्यू बनाने में लगा हुआ है। और जो प्राइस है यहाँ पे इसका बाइक का लॉन्च हुआ है 4,10,000, काफ़ी सही प्राइस है मतलब देखा जाए तो। और लुक वाइज तो ए क्लास लग रही है, मतलब जब MotoGP के टाइम पे जब खड़ी हुई थी बाइक ना, सुपर्ब है। थोड़ी सी छोटी लगती है, कॉम्पैक्ट सी लगती है बट स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से बेस्ट कन्फर्म्ड ना। 4,10,000 एक्स शोरूम महाराष्ट्र मतलब क्या, इसमें अलग भी रहेगा क्या? एक्स शोरूम तो पूरा इंडिया का ही सेम रहता है, शायद महाराष्ट्र से बिकता होगा पहले, पता नहीं, हो सकता है। चलो एनीवेज बाइक बढ़िया है। I guess that's a yes, you did.
an absolute yes. Ladies and gentlemen, Vipin Mishra and his traveling monk friends all the way from Zanskar. एक टिप टॉप करके स्टोर है यहाँ पे, बहुत ही मस्त एकदम सीट्स कस्टमाइज बनाए हैं। स्पेशली मेरे को ना ये वाली बड़ी अच्छी लगी, ये रॉक्स की बनाई हुई है, क्लासी एकदम, क्वालिटी वालिटी बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाला जो प्लास्टिक का जो पार्ट होता है यहाँ पे ना, मस्त एकदम लुक दिया हुआ है, बहुत सही लग रही है। ये वाली देखो है हायबुसा की कस्टम है, सही है, मतलब एकदम कुशनिंग वुशनिंग जो कुशनिंग रहती है वो भी सही दी हुई है, बहुत सही है। और थोड़ा सा थीम के साथ में मैच करने के लिए जो इसका स्टिचिंग रहता है ना वो भी यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे है बोलो। सो आप लोगों को जैसे पता है मैं 850 GSA के साथ में ना ये वाला ऑलरेडी टॉप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ द LRL 66 BHP, राइट, दिस 66 BHP पैनियर्स, एंड आई एम थिंकिंग टू बाई दिस, दिस क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, एंड जो इसका ये वाला जो रहेगा ना ये अपना बाइक में आराम से फिट हो जाएगा। सो दिस वन आई नीड टू फिट इट, हाँ ओके, so this one I can just tight it, I mean you guys have welded it but I mean it can be used just by the screws and all, right, and just mount it once, okay, okay. I have used this product in Zanskar and everywhere, this I mean this one is perfect, I have not used this one yet. Okay, nice. Can you show inside like how much is the space? Okay. This is enough. This is 20 liters, right? 37 liters. 37. Yeah. Oh, and that same 37. Okay. ये वाली देखो, ये होंडा की जो नई ट्रांस एल पाई है यहाँ पे बाइक एंड बाइक करने में, मतलब यहाँ पे रखी हुई है डिस्प्ले पे, क्या सही लग रही है यार, अफ्रीका ट्विन जैसी पूरी फील आ रही है, बढ़िया मस्त बाइक है, पूरी लोड कर रखी है अभी इन्होंने डिस्प्ले के लिए। ये कलर अच्छा लग रहा है वैसे, मैट ब्लैक में पूरा। I just can't hide how I feel about you, nothing can take that away, cause you make the world so beautiful, so beautiful. जट बाजी की स्टॉल में है, यहाँ पे सारी बाइक्स लगी हुई है आसपास में, Thank you.
भाई साहब मतलब असली नज़ारे तो यहाँ से है। और लेके ऊपर स्टेज है उधर साइड में, तो यहाँ पे पूरा जो एरिया है यहाँ से दिख रहा है। दिस इज डे टू ऑफ IBW और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, विनायक का खाना खाने। तो अभी पेट पूजा करने जा रहे हैं। कल तो भाई साहब जो पार्टी किया ना, मतलब जम के 4 बजे तक, 5 बजे सोए लिटरली। मतलब यार एक घंटा लग गया है, पूरा घूम घाम के आए। एक्चुअली मैं IBW का जो इवेंट है 10 बजे खत्म हो जाता है, बट वहाँ से निकलते काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था। उसके बाद में निकल के हम लोग गए थोड़ा सा टीटोज लेन तक, खाना पीना खाए, मस्त एकदम चिल किए, बीच में मस्त ठंडी हवा चल रही थी तो मज़ा आ गया है। गमछा भी खुल गया। यहाँ से निकलते हैं हम लोग, बुलू भाई भी पहुँच रहे हैं सीधे विनायका, वहाँ पे करेंगे ऑथेंटिक गोवान फूड इंजॉय एंड देन उसके बाद में आगे हम लोग वापस आके रेस्ट करने के बाद में निकलेंगे। भाई ब्लॉगिंग स्ट्रगल, दोबारा कर दे एक्टिंग है ना। बढ़िया है ना खाना यहाँ पे, तो हम लोग फाइनली विनायका में आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी फेमस है, हर बार आते हैं जब भी यहाँ पे ट्राई करते हैं। मेन्यू बहुत बढ़िया है, कल रवा फिश ट्राई की थी। तो ये देखो यहाँ पे किंग रवा फ्राई आ चुका है। क्या बोल रहे हो, बाइसन बाइसन कहेगा, बाइक का नाम है मेरी। ये है मस्त एकदम, ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को अभी तक का। लास्ट ईयर भी ट्राई किए थे, मस्त एकदम, 2-3 तो निपटाए थे। तो ये देखो ये भी आ गई, ये कौन सी, क्या है, किंग फिश है, किंग फिश गोन्स टाइप, बैंगन की सब्जी है, सही बात है। बहुत बढ़िया है यार, एकदम मस्त खाना पीना खा के यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में बाकी IBW के इवेंट में जाएंगे। आज मिस नहीं करेंगे, 4 बजे पहुँचेंगे एग्जैक्टली। सो गाइज अभी का टाइम हो रहा है 5 और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं IBW डे 2 अटेंड करने के लिए। दोपहर में लंच करके आए वापस, उसके बाद में रेस्ट किया एंड ये थोड़ा सा अच्छा सा टी शर्ट लगा मेरे को, मतलब मैंने ले लिया, बढ़िया लग रहा है, फ्लावरी सा पहली बार प्रिंट पहन रहा हूँ, अच्छा थोड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि गर्मी रहती है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से अभी यहाँ से निकल रहे हैं IBW एंड उसके बाद में पूरा फुल इवेंट आज इंजॉय करेंगे। थोड़े फोटो वोटोज़ खींचेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर नदी मलवी व्लॉग्स। और यहाँ पे पुलक भी रेडी हो चुका है पूरा फ्लावरी प्रिंट डाल के, ये लौंडे है ना, तो सही है, सीन सेट है, निकलते हैं यहाँ से। पूरा फुल चिल वाली वाइब चल रही है भाई, लोग यहाँ पे पूरा जिमनी वेमनी का स्टोर लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा एसी वाले से हम लोग बाहर आए, काफ़ी टाइम से वहीं पे तक गर्मी ज़्यादा हो रखी है, आज वैसे क्राउड बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ZX6R देखने के लिए, लॉन्च हो चुकी है आई गेस, प्राइस जो है अभी रिवील नहीं हुआ है। तो वी आर एट कावासाकी स्टोर नाउ, लेट्स सी कहाँ पे है ZX6R। सो दिस इज कावासाकी ZX6R, देखने में मस्त लग रही है यार, ब्यूटीफुल मशीन, एकदम मस्त लुक आ रखा है इसका, ZX6R, दिस इज इनलाइन 4 इंजन।